प्यारे प्यार जान छोड़ा पाल पाल दा दुख दार जान छोड़ा पाल पाल दा आओ 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 सच्चे सेवक के दिल में क्या होता है और कोई किस तरह से इस तरह का दिल बना सकता है। सच्चे सेवक के दिल अंदर गुरु गुरु हुंदा है, बाकी कोई भी गर्ज नहीं छुपी है। वो गुरु तो गुरु मंगदा है, दुनिया का कोई समान नहीं मंगदा, बल्कि ये कहिंदा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन की पो। सच्चा सेवक अपने गुरु नू कुल मालक समझदा है, उनू दे नहीं समझदा, उसनू बंदा नहीं समझदा, इंसान नहीं समझदा। सच्चे सेवक नू यह पता है कि सब दुनिया का करता मेरा गुरु है, दुनिया नू बनाउण वाला फना करन वाला मेरा गुरु है, मेरी मौत और जिंदगी मेरे गुरु के हाथ में है। गुरु जो चाहे सो करता है, गुरु खाली पानी भरता है। बुल्ले शाह ने कहा गुरु जो भी चाहे वह करता है, अगर खाली बर्तन लेके कोई गुरु के पास जाए वह भर दिंदा है। धर्मदास ने अपने गुरु के अगे ये कहा सुपने इच्छा ना उठे गुरु आण तुम्हारी हो, मैं गुरु तेरी ही कसम खा के ये बात कहना कि दुनिया का ख्याल मेरे सुपने के अंदर भी उठ नहीं रहा, जो कुछ है सो तू ही है, अंदर भी वहना ता भी तू है, बाहर देखना ता भी तू ही दिस रहा है। सच्चे सेवक के अंदर जो सौकण साड़ा दुनिया नू चिंबड़िया होया है, किसे ना वैर किसे ना प्यार ये नहीं हुंदा गा, उस दोस्त और दुश्मन के अंदर अपने पूर्ण गुरु नू देख रहा हुंदा है। उन्हें पता है कि दोनों के अंदर ही मेरा सतगुरु बैठा है, ये उसकी गुरु की मर्जी है कि शाबाश देवे या किसी तो निंदा करावे। सच्चाई तो यह है कि जो गुण गुरु विच हुंदे है उही उस सच्चे सेवक के अंदर उतरे आउंदे है, और गुरु और ऐसे सच्चे सेवक के अंदर कोई फर्क नहीं हुंदा। उस तो बाद वो सच्चे सेवक ने उसका मिशन चलाना हुंदा है, क्योंकि जिस मंडल चो वो महान आत्मा आई हुंदी है वो भी उस मंडल चो आया हुंदा है। फर्क विछोड़े का हुंदा है, जिन्हां दे क्रोध दे चरणा विच नहीं आउंदा गा, जद आ जाता है वो पछाण लैंदा है कि ये मेरा अज का मित्र नहीं, ये जद भी मेरी आत्मा जिस चीज की बनी है उस तत् का यह परमात्मा बनया है। महात्मा चतरदास ने कहा खोल तनी गल लाया सज्जन बिथर ही ना मासा, सज्जन सेती सज्जन मिलिया जैसे खंड पतासा। क्योंकि सच्चा सेवक उही है जिसनू ये नहीं पता लगता कि दुनिया के अंदर किस तरह जिंदगी गुजर रही है, वो अपने आप नू भुल जाता है, उहदे मन और आत्मा दे उपर सतगुरु का कंट्रोल हो जाता है, वो अपनी सच्चा सेवक मर्जी छड़ दिंदा है, गुरु की मर्जी दे विच वो जीना सीख लैंदा है। असी सारे आपो अपने थाई अपने आप नू सच्चे सेवक समझते हैं, जरा असी अपने गलमे अंदर झाती मार के देख लीए कि सच्चे सेवक और साडे विच कितना क फर्क है। बुल्ले शाह ने कहा सीगा दिल कमजोर फसे विच दुनिया रीस आशकां कर दे, गले पालन मजा प्रेम दा पैर पिछा नू तर दे। सच्चा सेवक जो है वो कदे भी अपने गुरु नू एक सकेंट वास्ते भुलदा नहीं, कदे भी अपने गुरु नू ओह एक सकेंट वास्ते विसरदा नहीं। जे सौंदा है तो वह गुरु नू नाल लेके सौंदा, उठदा है तो गुरु फिर सामने है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, वो हमेशा ही सुत्ता जागदा गुरु ही गुरु, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ करदा रहिंदा है। होर भी सच्चे सेवक दी महिमा अगर बयान करिए तो बयान तो बाहर है। हजूर कृपाल बहुत बहुत भाग्यशाली थे कि उनको अजायब के अंदर एक सच्चा सेवक मिला। क्या आप भी उतने भाग्यशाली हो कि आपको सच्चा सेवक मिला हो? अगर हाँ तो क्या आपने उसको छुपा रखा है आगे बढ़ने के लिए? मैं आम तौर पर कहना हूं कि जिस तरह शिष्य नू गुरु भागा नाल मिलता है, इस तरह
गुरु नूं विशेष बड़े उच्चे भागां नाल मिलदा है। सच्चे सेवक की तलाश अंदर गुरु बड़ा बड़ा सफर करके जा वड़दा है, बड़िया बड़िया मुसीबतां झेल के जांदा है, क्योंकि सेवक की खातर गुरु सब कुछ कुरबान करने तैयार हुंदा है, क्योंकि उस सेवक के अंदर गुरु ने अपनी सारिया शक्तियां लेके बैठना हुंदा है। ये तो वक्त ही दसदा है कि किस संत सतगुरु की कौन चोण विच आया, क्योंकि असी दुनियादार ऐसे हैं, अगर संत सतगुरु साढ़े सामने किसी का यह नाम ले देन कि भई मैं इस नूं इख्तियार दिना है, तो तुसीं सोच के देख लो कि असी कितनी हीरखा करांगे, कितना उस दिन जलन करांगे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह बड़ा लम्मा सफर करके पंजाब चों दखण दे विच अफजल नगर दे विच गए। उत्थे उन्होंने बाबा बंदा बहादुर की चोण करनी सी, उसनू कुछ अख्तियारात सौंपने सन। महाराज जी ने संगत दे वेखदिया उहदे गल विच कुरपान पा दित्ती, कुछ सिखां ने जलन कीती, उहदे गल दे विचों कुरपान ला ली, कहण लगे असी तेरे नाल बहुत वक्त दे लगे हैं, यह तो तेनू अज ही मिलिया है। तो गुरु गोबिंद सिंह चुप रहे, उसनू अंदरूनी शक्ति बख्शी, तो पंजाब की तरफ उसनू भेजिया। तुसीं आम तौर उत्ते भाई बेले की कहानी सुनते होंगे हो कि बेला एक सीधा साधा जिमीदार सी, गुरु गोबिंद सिंह जी की वह शरण दे विच गया, उहनू पुछण लगे क्यों बई तू कोई पढ़िया लिखिया है, वह कहण लग्या जी नहीं, होर कोई हुनर जानदा है, कहिंदा जी नहीं मैं जिमीदार आदमी हैं, घोड़ियां की सेवा बड़ी अच्छी कर सकता है। गुरु गोबिंद सिंह कहण लगे बई तू घोड़ियां की सेवा करया कर, एक तुक साथों रोज़ पुछ लिया कर। गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म की खातर तलवार चुकी हुई सी, एक दिन वह जंग नूं जाण लगे। हुण भाई बेले ने सोचा कि मेरी तुक ना रह जाए, वो जाके कहण लग्या जी मैनूं तुक तां दस जाओ। गुरु गोबिंद सिंह जी हस पे भी देख मैं तो जंग नूं जा रहा, दुश्मन बूहे ते आ खड़ा है, इहनूं अपनी तुक दी बनी हुई है। वो हस के कहण लगे वाह भाई बेला, ना पछाणे वक्त ते ना पछाणे वेला। हुण उसनूं इह पता सी कि मेरा गुरु जो है ये कदे झूठ नहीं बोलता गा, यह कुल मालक है, सतपुरश है। उसने उसे नूं हदीस समझिया, सारा दिन वह रटदा रहा। जिहड़े हुण पढ़े लिखे सीगे उन्होंने मखौल उड़ाया कि गुरु साहब तो पिछा छडाउण दे मारे कह गए कि यह देख इस नूं बाणी बनाई बैठा है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी वापस आए वो पुछण लगे जिहड़े ग्रंथी सन कि जी कोई तुसीं तुक दस गए सीगे, वो कहण लगे जी मैं तो कोई इहनूं तुक नहीं दसी गी, अखे जी सुबह दाई ये रट लाई बैठा है, वाह भाई वेला ना पछाणे वक्त ते ना पछाणे वेला। वो कहिंदे हाँ भाई जिहड़े वेला वक्त नहीं पछाणदे उही परमात्मा नूं पाउंदे है, उही गुरु नूं आपदे अंदर प्रगट करदे है। हुण गुरु गोबिंद सिंह ने तवज्जो दित्ती, हुण सुरत बेले दी 24 घंटे लगी रहा करे। वह जिहड़े पहलां दे आए हुए सन ग्रंथी चतर पढ़े लिखे, वह कहण देखो जी इस दरबार दे विच तां अंधेर है, न्या ने सानू 20 साल हो गए इत्थे झाड़ू कढ़दिआं नूं, साडी सुरत नहीं लगी, बेला कल आया है उहदी सुरत लग गई है। गुरु गोबिंद सिंह कहण लगे वी तुसीं भंग लियाओ, उस नूं रगड़ो, फिर असीं तुहानूं समझावांगे। भंग लियांदी, गुरु साहिब कहण लगे देखो बई संगो थले कोई भंग नूं ना उतारे, किसे ने ना उतारी। गुरु साहिब पुछण लगे किसे नूं भी नशा आया, वो कहण लगे जी जे संगो थले करदे नशा तां ही आउंदा। गुरु साहिब कहण लगे तुहाडे सवाल दा इही जवाब है, तुसीं सत्संग इस कन्नों पाया इधर कढ दित्ता, अमल नहीं कीता। हुण इह मामूली गल सीगी, उसने गुरु की हदीस समझी, गुरु के चरणों के आना कोई ज्यादा वक्त या थोड़े वक्त की नहीं, प्रेमी आत्मा का आना इस तरह गुरु के चरणों के जिवें खुशक बरूद नूं आपां अग दे नज़दीक कर दिंदे हैं, तुहानूं पता ही है खुशक बरूद अग दे नेड़े होया नहीं तो उसने अग पकड़ी नहीं, बाकी असीं की हुंदे आ गिले बरूद हुंदे आ, जिवें जिवें अग की तपश मिलती है सत्संग की नाम की उस तरह साढ़े अंदर फिर हौली हौली खुशकी आती है। सो कहण दा भाव यह है कि महात्मा कोई ज्यादा वक्त नहीं किसी वास्ते लाते होंगे गे, वो तो कोई नगर निगाह हेठ आया तो मालो माल कर देंगे, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु अपनी
चोन करन लग्या कदे भी धोखा नहीं खांदा गा। वो किसे अन्ने दे लड़ संगत नूं ला के नहीं जांदा गा, वो सब जानदा हुंदा है। तुसीं गुरु तेग बहादुर दी कई दफा हिस्ट्री पढ़ी होवेगी, किस तरह उन्होंने बचपने तो ही अपना अभ्यास चालू किया सीगा तहखाने दे अंदर बैठ के, और किस तरह जब गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने इतने कहा सी कि बाबा बकाले उत्थे अनेकां ही आपो अपनी पार्टियां दे जोर ते गुरु बन गए सन। जब मक्खन शाह लवाने दा बेड़ा बन्ने नहीं लग रहा सी, उदा जहाज डुब रहा सीगा, उसने कोई सुखना सुखी उन्हें पुछया कि इस वेले कोई गुरु नानक दी गद्दी ते या कोई पीर फकीर है? किसी ने दसिया कि हर कृष्ण जी ये गल कह गए कि बाबा बकाले जदों बकाले दे अंदर आया उत्थे वाहे गुरु आपो अपनी पार्टियां दे जोर ते बने बैठे सी, हर एक आपो अपने गुरु दी वड्याई कर रहा सी, कहिंदा सी सब कुछ इसे नूं है, इसे नूं कह गए है। अखीर हुण वो बड़ा झंबेले दे विच पिया होया सी वी की कीता जाए। आखर वो पंज पंज मोहरां सारिआं अगे धरदा गया, दिल च ख्याल सी कि जिहड़ा पूरा होएगा आपे बोल पवेगा। फिर उन्हें पुछया भी कोई इन्हां च होर भी है? किसी ने दसिया कि उन्हूं तेगा कमला कहिंदे आ, वह इस जमीन इस मकान के अंदर एक तहखाना बनया, उस दे अंदर अपना अभ्यास करता है, वह शुरू च ही अभ्यास करी जाता है। जब वो कोल उत्थे गया जाके पंज रुपए रखे, हालांकि संत ऐसी करामात नहीं दिखाते गे, लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया भी धोखे च ना रहे, अखीर उन्होंने अपना कुर्ता चुकया, कह लगे भी सेवका 500 मोर सुखी सी, आ देख तेरा जहाज तक दे देता, मेरे किल भी खुब गए है। उसने कोठे ते चढ़ के रौला पाया, पल्लू फेरिया, गुरु ला दोरे, गुरु ला दोरे। हुण जिहड़े पार्टियां दे जोर ते गुरु बने सन उन्हां नूं पता सी कि हुण साडे रुजगार विच फर्क पएगा, क्योंकि वह तो गुरु इस वास्ते बनते हैं कि अपना रुजगार भी सही ढंग नाल चल सके। जदों ये गल उसने कही, अखीर गुरु तेग बहादुर जब बाहर आए तीरमल की मदद के नाल उन्हां ते गोली चलाई गई। मैं वो जगह खुद देखी है, उत्थे जगह बनी हुई है कि इत्थे गुरु तेग बहादुर ते गोली चलाई गई सी, लेकिन जिन्हां नूं सच्चाई की झलक मिली सी, जो सच्चाई वो गुरु तेग बहादुर की तरफ लगे, बाकी जिहड़े पार्टियां दे जोर ते बने सीगे धीरमल वगैरा वगैरा उन्हां सब दा लोक साथ छड्ड गए सन। याद रखो, बगैर कमाई कोई परम संत दी पदवी नूं पहुंच नहीं सकदा गा, जिसने कमाई ना कीती होवे। तुसीं इह दिल चों ख्याल ही कढ जाओ कि गुरु उस नूं संगत दी अगवाई करन वास्ते मुकर्र कर जाएगा। मैं हमेशा ही कहिंदा आया हां कि तुसी किसी संत नूं मनण तो पहला उहदी हिस्ट्री जिहड़ी है वह प्यार नाल पढ़ के देखो। कोई उन्हें 10 साल 20 साल कोई अभ्यास किया, भजन किया, कोई कुरबानी की संत मत दे अंदर आके उसने। कबीर साहब कहिंदे, अबरा को उपदेश ते मुख में पढ़ है रेत, रास बरानी राख ते खाया करता खेत। गुरु नानक साहब कहिंदे, मंत्री होया ठूहिया नागी लगा जाए, अपन हथी आप ही दे कूचा आपे लाए। तो इस वास्ते गुरु दे सब निगाह च हुंदा है कौन कमाई करदा है। बेशक ओदी पहलों संगत सोबत दे विच ना आया होवे, गुरु दे सब ध्यान च हुंदा कौन बाडी तैयार है, किस नूं मैं इह कम सौंपना है। वो पहलां तो बर्तन जिहड़ा है तैयार हुंदा है, लेकिन शुरू च कोई अज नवीं गल नहीं, असल दी नकल नाल ही तुरी आई है। पलटू साहब कहिंदे है, जिस दे नाल 10-20 है तिसका नाम महान। इस वास्ते सब तो पहला सानू कमाई करनी है और अपना जीवन संत मत दे विच ढालना है, क्योंकि संत मत जो है ते सानू शब्द दी
ਕੁੰਜੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿਲਕ ਨੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਿਲਕਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫੌਰਨ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਤ ਸਾਥੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਔਰ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਜਬ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁੱਖ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ। ਖੁਸਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਥਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਹਾਫਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੈਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਇਦੂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਰ ਤਵੱਜਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਪ ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਗਰਜ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਗਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਤਪਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਗਾ ਸਕਿਆ, ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਗਿਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।